हेलो दोस्तों, मैं करण उदयपुरिया आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे संडे स्पेशल के इस सीरीज़ में। तो आज हम एक अमेजिंग टेक्निक देखेंगे, जिससे कि हमें कोई भी डेट मिल जाए हम बोल सकते हैं वो वीक का कौन सा डे है ना। और इस टेक्निक में हमें कोई भी टेबल्स वगैरह कुछ भी लर्न नहीं करना पड़ेगा, बस एक सिंपल सा ABD फार्मूला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये फार्मूला देख पा रहे होंगे, ट्रस्ट में उतना टफ फार्मूला नहीं है, बहुत इजी है, मेरे साथ कीजिए एकदम आराम से होगा, ठीक है। तो पहली बात, ये ABCD है क्या देखते हैं। सपोज हमें कोई भी डेट निकालना है, एग्जांपल ले लेते हैं 1 May 2000। ओके, हम लोग को बताना है कि ये कौन सा डे ऑफ द वीक है। ओके, तो ए होता है हमारा ये वाला, इसको हम ए बोलते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा ए, जो डेट होता है ना उसको ए बोलते हैं, और जो मंथ होता है उसको बी नहीं बोलते। देखिए दोस्तों, इधर छोटा सा ट्विस्ट है हमारा कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए। आप ऐसा मान लीजिए कि हमारा महीना मार्च से स्टार्ट हो रहा है, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च, यानी कि मार्च हमारा फर्स्ट महीना है, मार्च इज़ आवर फर्स्ट मंथ, ठीक है। हम लोग मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मार्च इज़ आवर फर्स्ट मंथ, तो सेकेंड मंथ क्या होगा अप्रैल, थर्ड मंथ क्या होगा मई। तो इधर हम मई को लेंगे 3, बी इज इक्वल टू 3, ए इज इक्वल टू 0 1, ऐसे ही सी क्या होगा, सी वुड बी द फर्स्ट 2 डिजिट्स ऑफ आवर ईयर, दिस इज सी, एंड डी वुड बी द रेस्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ आवर ईयर डी। फिर से बताता हूँ, ए क्या होगा, ए हमारा डेट होगा, बी होगा हमारा मंथ जो हमारा मार्च से स्टार्ट होता है, ठीक है। सी क्या होगा, फर्स्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर, और डी होगा लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर। इतना क्लियर है? अब बस सिंपली फार्मूला पुट करना है, देखिए कैसे करते हैं, एक बार करके देखते हैं। और ये फार्मूला में अच्छा चीज़ जो सिंपलीफाई कर देता है, जैसे डी बाय 4 है, ठीक है। सपोज डी हो गया 7, तो डी बाय 4 क्या होगा, 1 point something। हम लोग को पॉइंट इवेल्यूएट करना ही नहीं है, तो यही का फॉर्मूला। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, सपोज डी है 17, तो डी बाय 4 क्या होगा, 4 point something, तो हमको आंसर 4 ही देना है बस। ये ब्रैकेट का मतलब वही होता है, जो आंसर है वही देना है, पॉइंट को काट देना है, गोली मारो, सिर्फ उसी पार्ट को देना है जो हमारा मेन क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसका कैलकुलेट करते हैं, फॉर दिस लेट्स कैलकुलेट। ओके, तो ए हमारा 1 है, 1 plus 13, बी 13 into 3 ना 39, 13 into 3 39 -1/5 प्लस डी, डी क्या है 0, प्लस डी बाय 4 वही 0/4 प्लस सी बाय 4, सी क्या है हमारा, सी 20 by 4 -2c 2 into 20, क्लियर है। अब देखिए आराम से हो गया, 1 plus 13 into 3 कितना होता है, 39 -1 38/5 7 point something, तो हमको बस 7 ही देना है बोला था, प्लस 0 प्लस 0/4 भी 0, 20/4 कितना होता है 5, एंड -2 into 20 इज इक्वल टू 40। अब सिंपल एडिशन है, 1 plus 7 8, 8 plus 5 13, -40 इज इक्वल टू -27। तो ये आ रहा है -27। अब क्या करना है, ठीक है, अपने तो बोला फार्मूला लगाना है, फार्मूला यूज़ कर दिया, -27 आया। अब देखो हमारे डेज ऑफ द वीक है क्या क्या है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे है ना। इसको तो फर्स्ट डे तो यही है, ये सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स डे, ऐसे ही है ना। तो -27, तो ये हमारा आंसर है, इसको 7 से डिवाइड करते हैं, इसको 7 से डिवाइड करते हैं, हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर 7 3 से 21, तो -6 आ रहा है, और -6 तो कोई डे होता ही नहीं है, तो इसको 7 से ऐड कर दो। अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो 7 से ऐड कर दो, अगर प्लस में आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब आंसर है 1, और 1 कौन सा डे है, मंडे। तो ये मेरी गारंटी है कि 1 May 2000 वॉज मंडे। तो दोस्तों क्या किया हमने, एक सम अप करते हैं। पहले तो क्वेश्चन मिलते ही, क्वेश्चन यानी कि जो भी डेट मिलते ही हम ABCD निकाल लेंगे, इजी है। ए तो सिंपल डेट है, बी क्या है मंथ जो मार्च से स्टार्ट होता है, सी 20 है, डी 00, मतलब सी इज़ द फर्स्ट 2 डिजिट्स एंड डी इज़ द लास्ट 2 डिजिट्स। और फॉर्मूला कैसे याद रखें,
एक दो बार प्रैक्टिस करने से याद रह जाते हैं। फिर भी देखिए, पहले ए बी डी, पहले ए बी डी रहेगा, फिर लास्ट में सी रहेगा, ऐसा सोचिए। सब प्लस से एक टू सी माइनस में, ए बी डी, देखिए ए बी डी, फिर बाकी सी का टर्म, ऐसे कुछ याद रह जाता है। तो ए प्लस समथिंग प्लस डी प्लस सी बाई फोर माइनस टू सी, एक दो बार में याद रह जाएगा, पक्की बात है। तो इसमें हमने पहले फॉर्मूला लगा दिया, हमारा आंसर माइनस 27 आया। अगर सपोज प्लस आता, एग्जांपल देता, हमारा आंसर प्लस 40 आता, तो क्या करते हम लोग, सिंपल 40/7, 7 5 से 35, रिमाइंडर बचा 5, तो 5 5 तो हमारा आंसर हो गया फ्राइडे, है ना। पर इधर क्योंकि नेगेटिव नंबर था तो आंसर नेगेटिव में आया, और नेगेटिव हमारा कोई डे होता ही नहीं है, तो प्लस 7 कर देंगे 1, एंड 1 इज़ मंडे। तो हमें ऐसे ही करना है। तो यहाँ मैंने पेज पलटा दिया है, अब हम लोग समझ चुके हैं फॉर्मूला, और एग्जांपल देते हैं। जैसे कि ये देते हैं, आज का डेट ले लीजिए, आज का डेट क्या है, 11th October 2020। अब आप समझदार है, बताइए ए क्या होगा, ए तो वही 11 हो जाएगा सीधा। बी क्या होगा, अक्टूबर क्या होता है 10, नहीं हमारा मंथ तो मार्च से स्टार्ट हुआ है, तो 8 होगा, है ना, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। एंड सी क्या होगा, फर्स्ट डोर डिजिट 20। डी क्या होगा, 20। इतना क्लियर है। अब सीधा सीधा फॉर्मूला क्या है, ए बी डी, पहले होता है ए 11 प्लस 13 इंटू 8 माइनस 1/5, 13 बी माइनस 1/5, है ना दोस्तों। ए गया, बी गया, अब आया डी, डी है 20 प्लस 20/4, अब प्लस, अब आया सी 20/4 माइनस 2 into 20। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस फॉर्मूला लिख लिया। अब 11 प्लस 13 इंटू 8 कितना होता है, 104 माइनस 1 103, उसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो 20 पॉइंट समथिंग आएगा, हमें पॉइंट से लेना देना है ही नहीं। प्लस 20 प्लस 20/4 सिंपल 5 प्लस 20/4 सिंपल 5 माइनस 40, ठीक है, 40 ये देखो 20 20 40 40 से कट गया, तो बचा क्या, 11 प्लस 10 इज 21, है ना, और 21 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0, रिमाइंडर आंसर तो 3, रिमाइंडर हमें मैटर करता है, रिमाइंडर 0, मतलब अगर हमारा मंडे था 1, ट्यूसडे 2, वेनसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे हमारा 6 था, तो संडे क्या है, 0, देयरफॉर दिस इज संडे, ठीक है, संडे हमारा। तो देयरफॉर वी कैन से 11th October 2020 इज संडे। तो अब आप समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरह से, एक सिंपल ए बी डी फार्मूला है, ए बी डी को पहचानना है और फार्मूला अप्लाई करना है। अगर आंसर नेगेटिव आता है तो प्लस 7 कर देना है रिमाइंडर में, पॉजिटिव आता है तो सीधा सीधा आंसर बोलना है, कुछ मगअप करने की ज़रूरत नहीं है। एक ट्विस्ट है बस, ट्विस्ट तो नहीं है, थोड़ा दिमाग लगता है, ट्रिक टाइप का है इस जगह, देखिए आपको कन्फ्यूज़ करता हूँ अभी अभी मैं। अगर डेट रहता है 21 February 2021, इसको आप कैसे करोगे बताइए, आप खुद ट्राई कीजिए इसको। कुछ लोग क्या करेंगे ना, ए को ले जाएंगे 21, बी को ले जाएंगे, हाँ बी को क्या लोगे, क्योंकि हमारा ईयर तो मार्च से स्टार्ट होता है, तो बोल दोगे नहीं बी को क्या लेना है, ये मैटर एक बड़ा है। देखिए इधर ट्रिक ये है कि अगर हमारा ईयर मार्च से स्टार्ट होता है तो हमारा दिसंबर क्या होता है, 10th month, तो जनवरी क्या होगा, 11, फरवरी होगा 12, समझ रहे हो ना, फरवरी अगर हमारा 12 होगा, बी 12 होगा, तो आप खुद लॉजिकली सोचिए, हम लोग का ईयर में तो ये तो 2020 हो गया ना, क्योंकि हम लोग का न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है मार्च 1 से, हमारा न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है इस फॉर्मूला के हिसाब से 1 मार्च से, तो ये तो हम लोग उसके पहले गए हैं। पर क्वेश्चन जब हमें दिया था तब तो वो न्यू ईयर दिया नहीं था, वो अपना न्यू ईयर दिया था, पर हम कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए हम खुद का न्यू ईयर देंगे, तो हमारी न्यू ईयर तो 2020 हुआ ना, शायद क्लियर हो रहा होगा, एक बार खुद सोचिएगा। तो सी क्या होगा, 20, डी होगा 20, इधर वो गलती करते हैं, इसको 21 ले लेते हैं डी को, नहीं डी भी 20 होगा, समझ आया ना, बिकॉज हमारा न्यू ईयर 1 मार्च को स्टार्ट हो रहा है, और जो क्वेश्चन दिए हैं जो भी पूछा है हमें, उन लोगों का न्यू ईयर तो नॉर्मल जनवरी में स्टार्ट हो रहा है, तो इससे हम लोग अपने कैलकुलेशन के लिए इसको कमाएंगे, ठीक है।
अब क्या, अब तो सिंपल कैलकुलेशन हो गया। ए बी टी फार्मूला, ए क्या है 21 प्लस बी क्या है 13 इंटू 12 माइनस 1 बाई 5 प्लस, अब आता है डी, डी तो सिंपल 20 है प्लस अगेन 20 बाई 4। अब आता है सी का बारी, ये भी वही है 20 बाई 4 माइनस 2 सी 40, ठीक है 21 प्लस 13 इंटू 12 156 माइनस 1 155, 155 बाई 5 31 प्लस 20 प्लस 5 20 बाई 4 5 ना प्लस 5 माइनस 40 है ना। अब सिंपल एडिशन करना है, 21 20 होता है 41 माइनस 41 5 5 10 1 11 तो ये हो गया 42, ठीक है। अब कुछ है ही नहीं, इसको डिवाइड करना है 7 से, 42 बाय 7 तो 6 होता है, रिमाइंडर बचा 0 और 0 आ गया तो अगेन हमारा आंसर क्या हो गया संडे, अगर 1 आता तो आंसर होता मंडे है ना। देयरफॉर 21 फरवरी 2021 भी संडे, तो अब कोई कैलेंडर की ज़रूरत नहीं, सीधा सीधा डेट सोचो, ए बी डी फॉर्मूला डालो, आंसर निकालो है ना। सबको अपने अपने बर्थ डेट्स कैलकुलेट करना, मज़ा आएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और कुछ अच्छा सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।